हेलो बच्चों, दिस साइड सीए राज। आज का वीडियो मैंने एक मैसेज देना आप सभी को कि मैंने टैली प्राइम की वीडियो स्टार्ट कर दी है रिकॉर्ड करना, जिसके अंदर हम टैली प्राइम के अंदर जीएसटी की एंट्री को मैप करना, जीएसटी की रिटर्न्स को फाइल करना, ये सब कुछ आपको टैली प्राइम पे कराया जाएगा। मेरी प्रीवियस सारी वीडियो टैली ईआरपी 9 पे थी, बट एज सच की टैली प्राइम अब मार्केट में आ चुका है, ठीक है। तो अब मोस्टली कंपनी टैली प्राइम की तरफ मूव कर चुकी है, तो टैली प्राइम पे काम करते वक्त कोई इश्यू प्रॉब्लम ना आए आपको, तो उसके लिए मैंने टैली प्राइम की सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसपे आपको जीएसटी, टीडीएस, पेरोल, ठीक है, इन्वेंट्री, ये सब कुछ टैली प्राइम के ऊपर पूरा कवर हो जाएगा। टैली प्राइम को सीखने के लिए आप लोग प्लीज टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना। दिस इज द इन्फॉर्मेशन मैसेज कि आप टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, ताकि जब मैं टैली प्राइम की वीडियो अपलोड करना चालू करूंगा उस टाइम पे आप सेम टाइम प्रैक्टिस कर सको टैली का सॉफ्टवेयर खोल के। तो कई लोगों का क्वेश्चन ये आया था उठ के कि सर टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर हम कैसे बाय करेंगे। आप लोगों को बाय नहीं करना, टैली प्राइम ने, टैली कंपनी ने ऑलरेडी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर दे रखा है। आपको सिंपली जाना है गूगल पे, वहां पर टाइप करना है टैली सॉल्यूशंस डाउनलोड। ये जैसे लिखोगे आप, यहाँ पर ऑप्शन आएगा डाउनलोड टैली सॉल्यूशन, जो पहला लिंक खुल के आएगा, इसको नोट कर लेना। इस पर क्लिक करोगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड करने का, इसको डाउनलोड कर लीजिए। टैली प्राइम का लेटेस्ट जो भी लेटेस्ट रिलीज होगा, रिलीज यहाँ पे मिल जाएगा आपको, समथिंग कुछ 39 MB का सॉफ्टवेयर है। जैसे ये डाउनलोड हो जाए, इसको आप सिंपली इंस्टॉल कर देना अपने सिस्टम पे, ओके। तो इंस्टॉल करने के लिए जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है अपने इंस्टॉल के बटन पे, आई बटन पे, तो ये आपका इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा, स्टार्ट टैली प्राइम। तो कुछ इसका इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखेगा। टैली प्राइम डाउनलोड करना इसलिए कंपलसरी है बिकॉज जब मैं कराऊंगा एंट्रीज के साथ, इसकी मैपिंग्स, रिटर्न फाइल, बैलेंस शीट, तो उस टाइम पे आपको सेम टाइम आप भी इस पर एक्टिविटी करके अपनी प्रैक्टिस को अच्छी कर सको, इंप्रूव कर सको, ओके। तो यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करोगे। नाउ दिस पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा, तीन ऑप्शन आएंगे, बेसिकली चार ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे एक आपका नेटवर्क का ऑप्शन होता है, बट सब में ना लाइसेंस के बारे में पूछा है। अगर आपने टैली को बाय कर लिया है, देन यू कैन यूज दिस लाइसेंस, तो इसके थ्रू आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो, ये लाइसेंस, लाइसेंस और लाइसेंस, ओके। बट एज हमने अभी टैली को बाय नहीं किया, तो हम कैसे प्रैक्टिस करें, तो यहाँ पे लिखा है ट्राई इट फॉर फ्री एजुकेशनल। एजुकेशनल मोड पे अगर आप टैली चलाओगे तो बिल्कुल सेम चलता है जैसे टैली आपका लाइसेंस मोड पे चलेगा, बट डिफरेंस आएगा बस डेट का। यानी आप हर डेट पे इनवॉइस की एंट्री नहीं कर सकते। मान लो कोई ट्रांजेक्शन करी आपने 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 को, 4 को, 5 को, बट टैली एजुकेशन मोड पे खाली बस 1 और 2 के अकॉर्डिंग एंट्री कर सकते हो आप, राइट। तो कुछ सिलेक्टेड डेट्स हैं जो कि आपके एजुकेशन मोड पे पिक होंगे, बाकी अगर आपको हर डेट पे एंट्री पास करनी है, हर डेट पे कोई ट्रांजेक्शन पास करना है, उसके लिए लाइसेंस मोड है। तो टैली डेट के अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, आप लोग अगर टैली को बाय नहीं कर सकते, आपके पास एजुकेशनल मोड है, तो उस केस में आप एज्यूम कर लेना कि अपने सारे ट्रांजेक्शन 1 या 2 को करें हैं, ठीक है, तो भी आपका काम उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। सो डेट डालना इज नॉट अ बिग डील। अगर आपको 1 तारीख 2 तारीख डालनी आती है, तो आप मंथ की कोई भी डेट के अकॉर्डिंग एंट्री पास कर सकते हो, राइट। तो टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर प्लीज को आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो सिस्टम पे। मेरी सीरीज जॉब आएगी टैली प्राइम के ऊपर, ओके। यहाँ पे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन, सब कुछ बताऊंगा कि क्रिएट कंपनी कैसे करेंगे। टैली प्राइम का पूरा सॉफ्टवेयर इसमें कवर होगा, इंक्लूडिंग विद जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स, पेरोल, ओके, देन इन्वेंटरी मैप करना, बैलेंस शीट के ऊपर काम करना, ओके, तो सब कुछ कवर होगा। सो इफ यू लाइक माई वीडियोज काइंडली प्रेस द सब्सक्राइब बटन, बेल बटन को प्रेस करिए एंड लाइक माई वीडियोज। थैंक यू सो मच।